हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी से, मतलब दोपहर से। अभी टाइम हो रहा है वन थर्टी। तो ढाई और 1:30 में ना कन्फ्यूज़न हो जाती हूँ मैं, मुझे ना बोलना नहीं आता है ढाई और डेढ़ किसको बोलता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और अभी भी इनको आने में एक घंटा कम से कम टाइम है। तो मेरा काम सब कुछ हो गया है, तो मैं सोची आप लोग से थोड़ा बात कर लेती हूँ। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और मेरा नहाना भी लगभग हो चुका है। तो आज शैम्पू नहीं की हूँ और आरुष देख रहा है टीवी और मेरा ना देखिए कितना आईब्रो निकल के आया है। वो हमको थ्रेडिंग करने के लिए पार्लर जाना पड़ेगा, मतलब जब पार्लर में जाऊँगी आज शाम में जाऊँगी, तो आज सैटरडे है, इनका हाफ डे है, तो ले चलेंगे या तो फिर मैं खुद ही जाऊंगी, जो भी होगा वो डिसाइड नहीं की है। लेकिन ये मैं थ्रेडिंग करना मेरा ज़रूरी है, ये तो डिसाइड एकदम हो चुका है। पता है ये ना एक दिन बोल रहे थे, मतलब विंटर आ चुका है तो अभी तक मेरा विंटर का शॉपिंग नहीं हुआ है, तो ये बोल रहे थे एक दिन चलेंगे धनबाद विंटर का शॉपिंग करने। तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। शॉपिंग तो मेरा फेवरेट है, हर किसी का फेवरेट होगा शायद, तो मेरा तो ज़्यादा ही फेवरेट है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का। तो कल संडे है, देखते हैं कल जा सकते हैं। लेकिन ये बोल रहे थे ना प्लांट में, इनका ना कुछ काम पड़ गया कल, तो शायद नहीं जा पाएंगे। तो लेकिन विंटर शॉपिंग तो ज़रूरी है, और शॉपिंग क्या क्या करेंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और हमको ना रिक्वेस्ट आया है एग रोल बनाने का, एग रोल का रेसिपी और क्या बिरयानी वो एक बार बनाना है। देखिए गाइस, आप लोग के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, ये मेरा ब्लॉग चैनल है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो जानती हूँ, मैं जो कुकिंग वगैरह जानती हूँ, वो चाहती हूँ आप लोग को कुछ कुछ सिखाने का, मतलब मैं शेयर करने का, सिखाने का इतना एक्सपर्ट भी मैं नहीं हूँ कि सिखाऊँ आप लोग को, तो आप लोग के साथ शेयर करने का। मैं जो भी जानती हूँ, मेकअप बोलिए, कुकिंग बोलिए, जो भी बोलिए, मैं ब्लॉग में ही आप लोग के साथ थोड़ा थोड़ा करके वो शेयर करूँगी, क्योंकि और तो मेरा चैनल नहीं है, ये एक ही चैनल है, ब्लॉग चैनल है। तो आप लोग को अगर हेल्प मिले, मैं चाहूँगी आप लोग को हेल्प करने के लिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को और क्या क्या रेसिपी चाहिए, और मेकअप का भी क्या क्या देखना है वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको प्लीज़ बताइएगा, तभी हमको थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी होगा कि हमको ये दिखाना है, ये करना है मेकअप और कुकिंग में। मेकअप में भी अच्छा खासा जानती हूँ मैं मेकअप, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी हमको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए हैं होंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी आप लोग क्या करेंगे, लंच सब तो हो गया है, इनका इंतज़ार करेंगे, तो इंतज़ार करते फिर लंच करेंगे, फिर अगर शाम में मिलेंगे, फिर देखते हैं, फिर शाम में मिलेंगे, ठीक है। मैं बनाऊँगी क्विक जो बन जाता है स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, ये है कुमड़ा पम्पकिन। तो इसको मैं पतला पतला काट ली हूँ, बहुत पतला पतला काटी हूँ, जितना पतला पतला आप काट सकिएगा काटिएगा, उतना टेस्टी लगता है ये। और ये बेसन ले ली हूँ, और ये बेकिंग सोडा थोड़ा सा लगेगा, और नमक डालूँगी थोड़ा सा, नमक लगेगा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर दूँगी बस, फिर इसको घोल लूँगी अच्छे से। तो यही सब इंग्रेडिएंट लगेगा, और डीप फ्राई करने के लिए रिफाइन ऑयल लगेगा बस। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा को, एक चिमटा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, बेसन के साथ ड्राई फ्रॉम में इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे, और इसको जितना अच्छे से घोलेंगे उतना अच्छा, मतलब इसका क्रिस्पी पकौड़ा बनेगा। इसका बैटर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसका पकौड़ा कैसे बनेगा। बहुत अच्छे से इसको घोलना होगा स्मूथली। और इधर कढ़ाई बिठा दी है तेल गरम करने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ऑयल बर्बाद हो जाता है।
तेल गरम हो गया है तो गरम तेल में एक चम्मच इस बैटर में डाल देती हूँ। ये सीक्रेट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें इससे क्या होता है कि पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। मैं कोलकाता में ये देखी थी ये पकौड़ा का दुकान में, तो ये अंकल को मैं पूछी थी, अंकल से पूछी थी तो मुझे ये सीक्रेट पता चला। तब से मैं बनाती हूँ तो बहुत क्रिस्पी पकौड़ा बनता है। और एक एक करके मैं हमारा जो पकौड़ा है वो छोड़ देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे, फिर इसको उठा लेंगे। और पकौड़ा मेरा जो कि है बहुत क्रिस्पी बहुत अच्छा बना है, देख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है गेस्ट वगैरह आता है तो समझ में नहीं आता है क्या बनाएं यार, घर में तो सब्जी के लिए पम्पकिन रहता ही है, कुमड़ा, तो उसका पकौड़ा बना देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एक अच्छा मतलब न्यू टाइप का डिश। अच्छा, ये मेरा हस्बैंड से एक्चुअली मैं सीखी थी, तो उन्होंने मुझे सिखाए थे, तब से मैं बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये पम्पकिन पकौड़ा स्नैक्स, और टीवी देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और सैटरडे का जो शाम है हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप लोगों का क्यूटी क्यूटी कमेंट कमेंट सेक्शन में छोड़ना मत भूलिएगा। तो बस मैं अपना वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।